जिंदगी फॉरएवर, जिंदगी फॉरएवर। किसी पादरी का नाम नहीं, किसी इंसान का नाम नहीं, बल्कि आज नाम उठाया जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का नाम उठाया जाएगा। और आज प्रभु हम यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए प्रभु आपके नाम से हम कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद प्रभु। आज हम आपके मसा के लिए, आपके अभिषेक के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने कहा कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है, और आज आपने अपने चुने हुओं को खुदावंद अंदर बुला लिया है। आपने कहा कि उनको बुला लेना और कहना कि अंदर आओ और यीशु मसीह की रोटी खाओ। और खुदावंद आज हम सब खाने आए हैं, और हम जानते हैं कि जो हम खाने वाले हैं उसे खाकर हम कभी भूखे ना रहेंगे, और जो हम पीने वाले हैं उसे पीकर प्रभु हम कभी प्यासे ना रहेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज जीवन की रोटी खाने के लिए हमें निमंत्रण मिला है। यहाँ जो खाना मेज पर लगाया जाएगा वह अनंत काल तक हमारे सामने पड़ा रहेगा। प्रभु आज हम उस रोटी को खाने आए हैं जिसको खाकर हम कभी भूखे नहीं होंगे, इस रोटी को खाकर हम कभी प्यासे नहीं होंगे। प्रभु यीशु के नाम से सबने कहा हालेलुया, बोलो आमीन, सारे बोलो आमीन। खुल गए पिंजरे, बोलो गए पिंजरे, टूट गए ताले, टूट गए ताले, खुल गए पिंजरे, खुल गए पिंजरे, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। बंदी गृह में बैठेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, पिंजरे टूट जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। किसी भी बंदी गृह में यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब दुआ की ताले टूट गए। हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। पिंजरे खुल गए, पिंजरे खुल गए, टूट गए ताले, टूट गए ताले, कोई न रोक सका, कोई न रोक सका। आ गया बैठाएंगे। हालेलुया 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 बोलो, हालेलुया। खुदा आपको आजाद करने आया है, हालेलुया। खुदा आपको आजाद करने आया है, अपना हाथ उठा के बोलो प्रभु मुझे आजाद करने आया है। सर अपना हाथ उठा के बोलो प्रभु मुझे आजाद करने आया है। मेरी बहन अपना हाथ उठा के बोलो प्रभु मुझे आजाद करने आया है। हालेलुया। कोई ताले आपको रोक नहीं सकते, आप घर में बंद हैं लेकिन आप खुदा में आजाद हैं, क्योंकि जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है। सारे ताले टूट गए हैं, हालेलुया। अपने बोलो, हाथ लगा के बोलो सारे ताले टूट गए, सारे ताले टूट गए हैं। आमीन। एक विश्वासी को कोई नहीं रोक सकता। एक विश्वासी की प्रार्थना अगर जमीन से 20 फुट नीचे की जाए तो पर्वत हिल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। एक विश्वासी को अगर कोई मार भी दे तो वो मरेगा नहीं, अनंत काल तक जिंदा रहने वाला है। हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। मैं आपसे पास्टर बन के नहीं, मैं खुदा की जबान लेकर आया हूं। मैं आपसे पास्टर बन के बात करने नहीं आया हूं, मैं आपके ऊपर अधिकार जमाने नहीं, आपके पांव धोने और आपकी सेवा करने आया हूं। हालेलुया। मैं खुशखबरी देने आया हूं क्योंकि मैं खुद बहुत खुश हूं। एक आदमी ने चिकन करी की दुकान खोली। किसकी दुकान खोली? लोग खाने गए तो उसकी दुकान में चिकन नहीं और करी नहीं। बोले वरी छा थियो,
तेरी दुकान में ना चिकन है ना दादा ना कोई कड़ी है, क्या करता तू? कहता मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं अभी प्रेयर कर रहा हूँ कि मेरी दुकान में चिकन कड़ी हो। हम खुशखबरी देने जाए और हम ही खुश ना हो तो हम खुशखबरी कैसे देगा? हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझे देख के लगता है कभी दुखी है? मैं दुखी नहीं हूं क्योंकि सारा दुख यीशु मसीह ने ले लिया है। हालेलुया, बोलो सारा दुख यीशु ने ले लिया। हालेलुया, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मेरे ऊपर लहू यहू का यहोवा का लहू लगा है। हालेलुया, मैंने आपको बताया था लहू यहोवा का हमारे अंदर बहता है। हालेलुया, जो यहोवा है वैसा हमारा जिस्म खुदा ने बनाया है। आपका शरीर वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप गौर से अपने शरीर को सोचेंगे तो आप जानेंगे कि हमको खुदा ने अपनी छवि में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा के अपने लिए, कम ऑन। हम अपने शरीर को बहुत गलत तरीके से देखते हैं। मैं मोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं गंजा हूं, मैं ये ऐसा हूं, मैं काला हूं, मैं नहीं 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 नहीं। आप दो आईने हैं, एक आईना जो जमीन जो हम घरों में देखते हैं वो वाला आईना, और एक आईना ये आईना है, इसमें देखो मैं क्या हूं, ये हूं मैं। आहा, मैं तो बहुत सुंदर हूं। हालेलुया, मैं तो बहुत अमीर हूं, मैं तो बहुत धनी हूं, मैं तो बहुत धन्य हूं, मैं तो बहुत मुबारक हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं क्योंकि मेरा खुदा अच्छा है। हालेलुया, प्रभु की आराधना के लिए हमारा हृदय तैयार होना चाहिए। हालेलुया, खुदा रंग नहीं देखता। कल एक हमारी बहन ने हमें बहुत अच्छी बात बताई, प्रज्ञा बहन ने हमारे सत्संग में बहुत अच्छी एक हमें गुब्बारे की कहानी बताई। गुब्बारा, कितने लोगों ने गुब्बारे को उड़ते देखा है? तो एक बच्चा गया और कहने लगा, अंकल अंकल ये जो गुब्बारा है काले रंग का भी उड़ता है? बोले हाँ काले रंग भी उड़ता है बेटा। अंकल ये व्हाइट वाला भी उड़ता है? बोले व्हाइट वाला भी उड़ता है। अंकल अंकल ये येलो वाला उड़ता है? सारे उड़ते हैं। तो कोई एक कलर नहीं, एक कलर वाला नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कलर क्या है, इससे फर्क पड़ता है कि अंदर क्या भरा है। अगर आपके अंदर गुब्बारे में गर्म हवा भरी है तो उड़ेगा, ठंडी हवा भरी है तो धूल में पड़ेगा। आपके अंदर क्या भरा है, भरा है कि नहीं यीशु मसीह? कितने लोगों में यीशु मसीह भरा है? कितने मनों में लालच भरा है? ओड़ी पैसा पैसा पैसा, ये पैसा पल्लो पाया पैसा आया। हालेलुया, पैसा कितनों में पैसा भरा, पैसे का लालच। हालेलुया, नहीं भरा ना? आमेन, बोलो यीशु भरा है। हालेलुया, अब हमारे अंदर कुछ नहीं, और कुछ भरेगा तो अपन गिरेगा, यीशु भरेगा तो आसमान की तरफ जाएगा। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, जोर से बोलो, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारे बोले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, ये जमीन भी नहीं, ये आसमान भी नहीं, ये बंदी भी कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारे लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं, 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 ये आसमान कुछ भी नहीं, ये बंधगी कुछ भी नहीं, ये जिंदगी
जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो हम हर जगह तैयार। लिख लो, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे नो प्यार नो ब्लेसिंग, नो लव ठेंगा ब्लेसिंग। हालेलुया। प्यार नहीं नमस्ते ब्लेसिंग, ब्लेसिंग जाओ क्योंकि मेरे दिल में प्यार, पर जिस दिल में प्यार है वहां पे परमेश्वर की आशीष आके ठहर जाती है। हालेलुया। मैं अपनी सास से प्यार नहीं कर सकती तो मत करो, आप ब्लेस नहीं हो सकते। मैं अपनी बहू से प्यार नहीं कर सकती, मेरी बहू गोरी नहीं है। मैं अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता, मैं हम तीन भाई हैं लेकिन हम आपस में मिलते नहीं है क्योंकि मैं उसको प्यार नहीं कर सकता, वो बहुत गंदा आदमी है। सॉरी, अगर आप ऐसा सोचते हैं आपको ब्लेसिंग। हालेलुया। मैं अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकता, वो मीट खाता है, वो चिकन खाता है, वो पनीर नहीं खाता है। सॉरी, परमेश्वर का राज खाने पीने से नहीं है, परमेश्वर का राज दिल से है। हालेलुया। पास्टर साहब मैं सबको प्यार कर सकता हूं लेकिन वो असिस्टेंट पास्टर को नहीं कर सकता, वो अपने आप को पास्टर समझता है। अरे तो खुदा ने बनाया तो समझता है। बोलो यीशु मसीह की। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा, आज कितने लोग अभिषेक पाना चाहते हैं, खुदा का अभिषेक पाना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। बोलो पाना चाहिए मुझे, पाना है मुझे, लेकिन पाने के लिए आना पड़ेगा। हालेलुया। प्यार, बोलो प्यार, क्योंकि सबसे पहली जो चीज है खुदावंद ने हमें सिखाई है वो मोहब्बत है, क्योंकि मेरा मसीह है प्यार का खुदा। हालेलुया।
मेरा मसीह है। हाथ उठा के बोलो मेरा मसीह है। कुछ भी नहीं सारे बोलो में चार लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? बल्कि पांच। पंकज भी हमारे साथ है, दादाजी अभी मैं गिनना शुरू कर दिया है, बोलो छह। मेरे दादाजी मेरे साथ हैं, हमारे दादाजी। अब तो सब उनको सारा दिन दादा दादा करते रहते हैं, मैं भी दादा बोलता हूं। राजेश भाई के घर में कितने लोग रहते हैं? पांच। कितने लोग रहते हैं आपके घर में? कितने लोग रहते हैं? तीन। अपने हाथ उठा के बताइए। हाँ, गिन के बताओ, पांच। कई लोग तो उंगलियां भर गई हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं कि भाई? चार। बादल चार। सब लोग अपने हाँ। आप ये सोचो कि क्या आपके घर में कितने? छह। तो उंगली दिखाओ ना, आपके पास छह उंगली है ना। हालेलुया। आपके यहां कितने? पांच है। हालेलुया। क्या आप अपने घर में प्यार से रहते हो? नहीं नहीं, यस यस मत बोलो। अपने दिल में सोचो क्या सबसे प्यार से रहते हो कि नहीं। हाल घर में कितनी बार आपको नाराजगी, गुस्सा, लड़ाई, ये सारा गड़बड़ होता है ना, कचरा? हालेलुया। होता है? अभी बोलो यस। अब ये यस को नो में बदलना है पहले। हालेलुया। जब तक ये यस नो में नहीं बदलेगा, अभिषेक काम करने वाला। कितना बड़ा अभिषेक हो जाए लेकिन अगर प्यार नहीं है तो अभिषेक सारा जमीन पे गिर जाएगा। हालेलुया। रीना ने मुझे एक दिन ड्यूटी लगा दी कि जाके दूध ले आना। मैं सुबह सुबह चार बजे उठ गया दूध लेने जाने के लिए। हमारे घर के पास तबेला है, वहां पे दूध लेने चला गया, बर्तन ले जाना भूल गया। दूध वाला बोलता है भैया जी दूध लेंगे? उनका हाँ जी। बर्तन लाए? हमने हम बर्तन नहीं लाए। काहे में लेंगे दूध? हमने कहा हाथ में दे दीजिए। हम दूध ले आए हाथ में, घर पे आके बहुत जोर का पड़ा हमें। क्योंकि हम इतना दूध लाए जिस किसी काम का नहीं, वो दूध दो इतना सा चुल्लू भर दूध। हमका बोलती इसी दूध में आप, ये दूध आपके लिए एक महीने के लिए आप पीजिए इसको। वो भी रास्ते में गिर गया। बोलो यीशु मसीह की। प्यार, बोलो प्यार बर्तन है, पात्र है जिसमें अभिषेक भरा जाता है। कितना बड़ा बर्तन आपके पास है? जितना बड़ा बर्तन होगा, हालेलुया, उतना अभिषेक मिलेगा। हालेलुया। जिसके पास प्यार नहीं, कहीं बोलो मैं बड़ा गुस्से वाला पास्टर हूं। सॉरी भाई साहब, आप गुस्से के साथ अभिषेक नहीं कर सकते। गुस्सा और अभिषेक साथ साथ, एक दूसरे को बोलो गुस्सा और अभिषेक साथ साथ नहीं चलते। बोलो गुस्सा और अभिषेक साथ साथ नहीं चलते। जलन और अभिषेक साथ साथ नहीं चलते। हालेलुया। ये कोई ऋण नहीं है। उसका चर्च मेरे चर्च से बड़ा कैसे? उसके यहां पर ऐसा मेरे से ज्यादा कैसे? ऐसा सोचने से आपका अभिषेक खत्म हो जाता है। आप चर्च की बिल्डिंग तो आपके पास है, लेकिन चर्च में रहने वाला यीशु मसीह आपके पास नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अभिषेक चाहते हैं? हालेलुया। आज यहां पर कुछ होने वाला है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलेगा यीशु मसीह बोलेगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाओ यीशु मसीह की। लंबा यीशु मसीह की। आप लोग जयकारा बोलो, मैं जय बोलूंगा। जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की।
अभिषेक, बोलो अभिषेक, अभिषेक। आपको मैं एक आज सीक्रेट बता दूं, सुन लो, किसी आदमी की औकात नहीं वो किसी को अभिषेक कर दे, अभिषेक सिर्फ प्रभु देता है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। अभिषेक आदमी नहीं कर सकता है, यीशु का अभिषेक किसी ने नहीं किया था। यीशु ने कहा उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे मसा किया है। आपको अगर किसी आदमी का, अनिल कांत का, किसी और का अभिषेक चाहिए, वो अभिषेक आपके लिए अच्छा नहीं है। किसको अनिल कांत का अभिषेक चाहिए वो हाथ उठाए, जिसको यीशु मसीह का चाहिए वो हाथ उठाए। हालेलुया। आजकल दुकानें खुल गई अभिषेक की, कि मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा, उसका अभिषेक पाके आपको कुछ होने वाला नहीं है। अभिषेक अगर पाना है तो यीशु मसीह का पाना है। ताली बजाएंगे खुदावन के लिए। हालेलुया। ओ हालेलुया, बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक पादरी, एक खुदा का सेवक सिर्फ आपको अपॉइंट कर सकता है, अभिषेक उसकी तरफ से आता है। सब बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, खुदावन के सच्चे और प्यारे लोगों, जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, और जो खुदा आपसे कराना चाहता है आज तक आपने सोचा नहीं होगा। आज की डेट लिख लेना, आज के बाद जो होने वाला है आप खुद हैरान हो जाओगे। हालेलुया। उसने मुझे भेजा उसकी रूह मुझ पे है, सारे बोले उसने मुझे भेजा है उसकी रूह मुझ पे है, उसने मुझे को मसा किया, बोलो उसने मुझे को मसा किया है। मेरे भाई वो सामने बैठे हैं, खुदा ने आपको अभिषेक किया है। हालेलुया, 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 आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। पीछे बैठे हैं हरी शर्ट में ब्रदर, हाथ उठाइए, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने आपको मसा किया है, आमीन। खुदा ने हम सबको बुलाया है। आपको मैं चीज बताऊं, प्रभु यीशु मसीह कहते थे मैं सच सच कहता हूं, आज मैं भी कहता हूं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जिसके कान होंगे वो आज वचन ले जाएगा, जिसके कान होंगे वो सीख जाएगा, जिसकी आंखें होंगी वो आज यहां पर यीशु मसीह को देख लेगा, नहीं तो लाइटें देख के चला जाएगा। हालेलुया। वो कहेगा हॉल बहुत अच्छा था, एक कहेगा आज यीशु बहुत अच्छा था। हालेलुया। एक बोलेगा आज गीत बहुत अच्छे सुने, एक कहेगा आज मैंने वचन बहुत अच्छा पाया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने आप को पहले खत्म कर लो, फिर उसका अभिषेक को पाना है। हालेलुया, आमीन। मुझे आज सारे दिखाई दे रहे हैं अभिषेक से भरे हुए। हालेलुया। ये मेरे भाई हमेशा इधर आके बैठ के मुस्कुराते रहते हैं, और मैं बताऊं उल्हास नगर के लिए खुदा ने इनको चुन लिया है। मैं नहीं, जिनसे मिला हूं पहले, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इनका काम जानता हूं कि खुदा ने अपना एक सिपाही चुना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि खुदा हम सबको अपनी अपने राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा को लोग चाहिए, खुदा को मजदूर चाहिए, क्योंकि फसलें बहुत है, काटने वाले कम है। हालेलुया। रिलायंस कंपनी से बड़ा है खुदा का काम, टाटा से बड़ा है हमारा खुदा। हालेलुया। मैकडॉनल्ड से बड़ा उसका काम है। हालेलुया। क्योंकि वो सारी दुनिया को चलाता है, वो सारी दुनिया का मालिक है, वो सारी दुनिया का राजा है, उसको लोग चाहिए। हालेलुया। अभिषेक, मैंने आपको पिछली बार बोला था, अभिषेक, अभिषेक खुदा करेगा आज आपका। हालेलुया।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपको अनॉइंट कर देंगे, हम आपको अपॉइंट करेंगे, अनॉइंट खुदा करेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि कोई किसी को अनॉइंट नहीं कर सकता है, कोई यीशु मसीह के 12 चेले, कितने चेले? जीसस ने कभी तेल डाल के नहीं भेजा उन्हें, नहीं देखा आपने बाइबल में पढ़ा पौलुस का अभिषेक किया गया? ऐसे नहीं किया गया अभिषेक। अब योहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, बोलो अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग के लिए, अभिषेक को पाने के लिए कुछ तरह के लोग होते हैं, कुछ तरह के इंसान होते हैं। ये वो गाना है, तबला हर चीज पे नहीं बजाया जाता। अगर हम सोचे कि कीबोर्ड पे तबला बजाया, नहीं बजेगा। तबला बजाने के लिए तबले जैसा कुछ होना चाहिए, बोलो यीशु मसीह की लाइट। लाइट पैदा करने के लिए हमें लाइट की जैसी सामान चाहिए जिसमें से लाइट निकल सके। हालेलुया, हमें वैसा बनना है जिसके अंदर खुदा अपना अभिषेक भर सके। अभिषेक तो तैयार बैठा है, क्या तुम तैयार हो? अभिषेक तो तैयार है। हालेलुया, सब बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 141 और 5 में वचन क्या कहता है? और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया, बोलो धर्मी, बोलो धर्मी, फिर से पढ़ो क्या है? धर्मी मुझको मारे, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, यह कृपा मानी जाएगी। और वह मुझे ताड़ना दे, वो मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, वो मेरे सिर पे अनॉइंटिंग होगी। हालेलुया, कितने लोग मार खाने को तैयार हैं? अनॉइंटिंग ऐसे नहीं मिलती है, मार खा के मिलेगी। हालेलुया, अनॉइंटिंग डोनेशन देके नहीं मिलती, बोलो डोनेशन से नहीं मिलती, अनॉइंटिंग मार खा के मिलती है, अनॉइंटिंग नम्र होके मिलती है। सारे बोलो एक दूसरे को, बोलो अनॉइंटिंग खरीदी नहीं जा सकती। कोई खरीद सकता है अनॉइंटिंग? हालेलुया, प्रेरित किताब में देखते हैं कि जादूगर खरीदना चाहता था। हालेलुया, अनॉइंटिंग बिकती नहीं है, अभिषेक बिकता नहीं है, अभिषेक ग्रहण किया जाता है। अभिषेक के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। अनॉइंटिंग सुपरमार्केट में नहीं मिलती है, अनॉइंटिंग फोन पे ऑर्डर करके नहीं आ सकती है, अनॉइंटिंग चर्च में भी अगर हम जाएंगे तो हम अभिषेक हमको इसलिए नहीं मिलेगा कि पास्टर हमसे बहुत प्यार करता है। अनॉइंटिंग तब मिलेगी जब हम प्रभु से बहुत प्यार करेंगे। सारे बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की। यहां पर खुदा का बंदा कहता है कि मैं एक अगर धर्मी आदमी मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सर पे का तेल माना जाएगा। मुझे अगर कोई मारे पीटे, धर्मी कोई कूटे, मुझे सजदा करे तो ये मेरे लिए, एक पति को तब अनॉइंटिंग मिलती है जब वो पत्नी से प्यार करता है, पत्नी को तब मिलती है जब वो अपने पति के अधीन होके चलती है। अनॉइंटिंग कहां से शुरू होती है पहले ये सोचना है। अभिषेक सिर्फ घर में लड़के आते हैं और चर्च में अभिषेक मांगते हैं? घर के अंदर तो सबके साथ पंगा है, दुनिया में सबके साथ झगड़ा है, और सोचते हैं कि वचन पढ़ के, कई लोगों अपने वचन के ऊपर बड़ा गुरूर हो जाता है, तुम्हें पता है मेरे को बहुत वचन आता है। आपके वचन आने से अभिषेक होने वाला नहीं है, वचन आने से नहीं, वचन मानने से अभिषेक मिलने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि पास्टर अनिल कांत यहां बैठ के वचन दे रहे हैं तो बहुत अभिषेक, हाँ मुझे अभिषेक तभी मिलेगा जब मैं वो काम करूंगा जो मेरे खुदावन ने दिया है। सब बोलो यीशु मसीह की। एनॉइंटिंग मिलती है तो छिनती नहीं है। मुझे अभी ना फ्रेश अनॉइंटिंग चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को भी फिर से जाके अनॉइंटिंग लेनी। ये क्या सिलेंडर खत्म हो गया आपका, लीक हो गया? अनॉइंटिंग लीक हो गई? अनॉइंटिंग लीक नहीं होती, बोलो अनॉइंटिंग लीक नहीं होती, अनॉइंटिंग खत्म नहीं होती है। अनॉइंटिंग जब मिलती है तो वो हमारे साथ रहती है। हालेलुया,
बोलो अभिषेक मेरे साथ रहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो जाए कि आप जो खुदा के नाम से बांधो वो बंद जाए, जो खोलो वो खुल जाए। कितने लोग चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो जाए कि आप यीशु के नाम से कैंसर बांधो तो कैंसर खत्म हो जाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आप जो बोले प्रभु के नाम से हो जाए फिर आपका बहुत बड़ा नाम हो जाए। एनॉइंटिंग इंग्लिश से नहीं आती है, हिंदी से भी आती है। एनॉइंटिंग सिंधी से भी आती है, तेलुगु से भी आती है, कन्नड़ा से भी आती है। सिर्फ गॉड बोलने से नहीं आती है, प्रभु बोलने से भी आती है। सिर्फ शोर मचाने से नहीं आती है, धीरे बोलने से भी आती है। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से नहीं आती है, खुदा मेरे जैसे अनपढ़ भी इस्तेमाल कर सकता है। ताली बजाएंगे, कम ऑन, हालेलुया। अब नहीं तेरी हो।